प्रियंका गांधी जी, सत्कार योग्य चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, अध्यक्ष जी डोटासरा साहब, सचिन साहब, सीपी जोशी जी, हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज जो मेरे साथ हैं तीनों ही, और सारे मंत्री साहब भी बैठे हैं, एमएलए पदाधिकारी, और सत्कार योग्य मेरे बहनों भाइयों, मैं प्रियंका जी एक बात ही कहना चाहता हूं। आपने कहा था कि मैं लड़की हूं, डरूंगी नहीं। मेरे को आज याद है, हम छोटे थे, 79 में इंदिरा गांधी ने गिरफ्तारी दी और 1-1.5 साल में तख्ता पलट दिया और दोबारा कांग्रेस की सरकार आई। 71 की वार जब हुई, मैं बॉर्डर का रहने वाला हूं, इंदिरा जी ने ऐसा काम किया, 5 साल के बाद 65 में वार की पाकिस्तान ने, 71 की वार की, इसका कमर तोड़ दी पाकिस्तान की, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद पाकिस्तान उठ नहीं सका। आप उस दादी की पोती हैं जिसने जो कहा उसने वो किया। आज लोग इंदिरा गांधी को इसलिए याद करते हैं कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, वो मोतीलाल नेहरू की पोती थी, जिसने देश आजाद करने के लिए ये नहीं देखा कि कब देश आजाद होगा, उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, गिरफ्तारियां दी। आज जो लोग बैठे हैं वो कहते, उनको जब पूछते हैं कि आपने क्या किया देश की आजादी के लिए, तो वो कहते हैं कि हमारा तो जन्म ही 50 में हुआ, 3 साल बाद 47 के बाद ये पार्टियां बनी। आज जितने स्टेज में बैठे हैं, जब पंजाब में बैठे हैं, उन लोगों के पीछे एक हिस्ट्री है, वो उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, उन्होंने बातें नहीं की। वो देश की आजादी के लिए जेलों में इसलिए गए कि हम अपने हिंदुस्तान को आजाद देखना चाहते हैं, अपने इंडिया को आजाद देखना चाहते हैं। उनको कभी याद नहीं था अंग्रेज हमें आजाद करेंगे। उन्होंने आजादी ली 1921 में, फिट इंडिया मूवमेंट आई, तो कितने लोग जेलों में गए। आज ये कहते हैं कि हम देश को ऐसे कर देंगे। मैं प्रधानमंत्री साहब को पूछना चाहता हूं कि ये जो सामने बैठे हैं, ये असली देशभक्त हैं, वो बैठे हैं जो अंडमान निकोबार की जेलों में जिन्होंने कुर्बानियां दी, आज उनका नाम कहां, क्यों नहीं लेते उनका नाम। प्रियंका जी, एक मैं छोटी सी बात आप सुनाकर खत्म करूंगा। आपने मलेरकोटला पंजाब में सुना होगा, वहां नामतारी थे, उनकी मूवमेंट थी, उन्होंने बहुत कुर्बानियां की पंजाब में, तो अंग्रेजों ने जो वहां उनकी सभा चल रही थी, तोपे लेकर आ गए और तोपों से नामतारियों को शहीद कर दिया। 1-8 साल का, 9 साल का बच्चा जब उसको तोप के आगे खड़ा किया, तो अंग्रेज ने कहा कि जे रेंज में नहीं आ रहा, उसने अपने पांव के नीचे ईंटे रखकर कहा कि अंग्रेज मैं अब तेरी रेंज में आ रहा हूं, मेरे को अब गोली मार। कांग्रेस वो पार्टी है जो शहीदों के प्रणाम करती है। हमें अपने देश की आजादी, अपने देश की रक्षा के लिए आगे आकर काम करना है। हमें कोई ईडी का डर नहीं, हमें कोई सीबीआई का डर नहीं, हमें कोई इनकम टैक्स डर नहीं। अगर उसने कल आना है तो अभी आए, कोई कांग्रेसी उससे नहीं डरेगा। आप सभी लोग कांग्रेस के साथ, और 2023 में मेरे को पूरा विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि पंजाब राजस्थान में कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी, और 2024 में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज होगा। इन्हीं शब्दों से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और प्रियंका जी आपको आने का आपका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद।